नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर ईडी ने रविवार को छापेमार कार्रवाई की। ईडी ने रेड करने के बाद शिवसेना नेता को हिरासत में ले लिया। इससे पहले ईडी के अधिकारी आज 31 जुलाई सुबह करीब 7 बजे संजय राउत के घर पहुंचे थे। वहीं इस कार्रवाई से पहले संजय राउत ने सामना के जरिए शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधा। शिवसेना नेता ने कहा कि बागी विधायकों को ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित साप्ताहिक लेख रोक टोक में कहा कि विद्रोही गुट को ये कहना बंद करना चाहिए कि उन्होंने इसलिए पाला बदला क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया था। हिंदुत्व को बेवजह बदनाम क्यों कर रहे हो? ईमानदारी दिखाते हुए कहिए कि सभी ईडी से खुद को बचाने के लिए भागे थे। शिवसेना सांसद ने दावा किया कि पार्टी के नेता अर्जुन खोतकर ने ईमानदारी पूर्वक स्वीकार किया है कि वे दबाव में थे और यही कारण था कि वे बागी गुट में शामिल हुए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।